दोस्तों जस्ट अभी जा रहा हूँ भाई दिल्ली, शॉपिंग करनी है, एयरप्लेन की टिकट निकालनी है, और क्योंकि गोवा की तारीख बड़ी नजदीक आ रही है, फ्लाइट की अपनी तारीख बड़ी नजदीक आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों भाई मम्मी को बाय बाय बोल के सीधा निकलते हैं भाई दिल्ली की तरफ। और हाँ दोस्तों मैं तो बता दूं, मम्मी के पास रहेंगे भाई चाचा के बच्चे इतने, ठीक है। मेरी भाई 3-4 दिन की ट्रिप होने वाली है, तो भाई हेलमेट और भाई अपना कैमरा वैमरा लेके मम्मी से मांगने लगा मैं पैसे। 100-200 रुपये दे दो पेट्रोल के। जो इंसान एरोप्लेन से जा रहा है वो बीमार से 100-200 रुपये। एरोप्लेन की तो बुक होगी मम्मी, लाओ तो फ्री में हुई। फ्री में नहीं, वो पैसे गए ना, 100-200 रुपये तेल के दे दो, दिल्ली तक तो जाऊंगा। वहाँ जाके अभी टिकट भी निकलवानी, टिकट लेनी है, ठीक है, शॉपिंग करनी है, 2-3 शर्ट लूंगा तो फिर पैसे भी तो आएंगे भाई उसके भी, तेल के उधार हो जाओ तो उधार कर ले। दोस्तों मेरी तो हालत ही ऐसी खराब हो रही है, मैं जा रहा गोवा। फिर गाइस आगे अपने मामा के पास, मामा खुजाते हुए तिलक लगा। अभी मेरे हाथों पता क्या है, एक्साइटेड एंड खुशी भाई, मेरे हाथ में टिकट दिल्ली से सीधा गोवा। दिल्ली 30 तारीख की है हमारी, और मैं 31 सोच रहा 30 की इतनी खुश इतनी खुशी। देखो दिल्ली से सीधा भाई कहाँ जा रहे हैं, बेलगावी है जो कि गोवा से सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर का हेर फेर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और बेलगावी क्यों जा रहे हैं हम, वो ही बताऊंगा आप लोगों को, बता दूंगा। जो मेरे बड़े मामा है ना वे बेलगावी में हमें मिलेंगे, बड़े मामा और छोटे मामा दोनों, हम दोनों जाएंगे यहाँ से बेलगावी और फिर वहाँ से सीधा गोवा जो कि 100 किलोमीटर है। पहले हम उनके पास जाएंगे, उनके पास ही स्टे करने वाले हैं हम, ठीक है दोस्तों, ये बात है हमारी। और हाँ छोड़ो कहीं जाओ, जहाज में बिठा दो बस, बेलगावी जाओ, गोवा जाओ, मडगांव जाओ, बेलगावी जाओ, कहीं जाओ, बस प्लेन में बिठा दो मुझे 2-2.5 घंटे, बस मेरा सपना पूरा हो जाएगा दोस्तों। मैं फिर कह रहा एक टाइम ऐसा हो गया था, मैं नीचे से देखू था ऐसे ऊपर जहाज को, और पापा से पूछू था डैडी यार यो इसमें आदमी है, डैडी कह रहे और बैठेंगे 30 तारीख को, आप लोगों को भी दिखाऊंगा, एक एक चीज रिकॉर्ड करूंगा, एक एक चीज, ठीक है। एक जींस, वहाँ गर्मी है गोवा में, गर्मी पाएगी तो एक दो, शाम को ठंड रहा है मामा, फिर भी मैं तो दो एक टी शर्ट दो एक जींस भाई 30 को जा रहे, मतलब कि 30 और आने की टिकट दिखाऊं मैं तुम्हें, देखो 30 को तो ये होगी आने की, कहा है 3 जनवरी बेलगावी से बैठेंगे हम दिल्ली के लिए 3 जनवरी, 30, 31, 1, 2, 4 दिन हम वहां बसने वाले। ओ भाई मजा आ जाएगा जी के साथ भाई। रात में हम दोनों भाई जा रहे हैं मामा भांजे का भला, रुको बताता हूँ। सबसे पहले भाई मामा के छोटे वाले लड़के से करते हैं बाय बाय, जो कि यार बहुत ज्यादा क्यूट है, जिसका नाम भाई आयान सा, सब लोग भाई जानते हैं। और हाँ मामा के दोस्तों के साथ भाई मैं भी आ गया भाई आइसक्रीम खाने, देख लो भाई इतनी ठंड में टोपा ओपा ओढ़ के खड़े, फिर भी हम भाई आइसक्रीम नहीं छोड़ेंगे। तो भाई भाई ने बिल्कुल ही मावे वावे में डाल के आइसक्रीम दी भाई, मजा ही आ गया भाई आइसक्रीम को देख के, और खाने के बाद तो और भी ज्यादा मजा। फिर टाइम बाद भाई तुम अल्टो देख रहे हो व्लॉग में, जो कि भाई मेरी पहली गाड़ी है। तो दोस्तों अभी बैठ के हम चलते हैं भाई कहाँ भला, अभी हम जा रहे हैं भाई मूवी देखने। और हाँ रात का बाहर का सीन बड़ा ही प्यारा है, तो बाहर सर्दी है ना उस वजह से भाई शीशे बड़े कम खोल रहे हैं, वरना मैं भाई खोलते रहूँ बस थोड़ा सा शूट करने के लिए भाई खोल रहा हूँ। और हाँ इसके बाद भाई मामा थक गए, मामा तो भाई मॉल में बैठ गए, ये देख लो भाई नीचे बैठ गए। और हाँ मैं भी भाई पीछे लेट गया, मैं तो मामा लेट गया, मामा तो भाई बैठे थे सिर्फ। और हाँ दोस्तों पूरे मजे इन्जॉय करते हुए, जस्ट अभी भाई मूवी कौन सी देखेंगे मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले भाई हमने सिक्योरिटी वाले का थोड़ा सा मन लगा दिया, यहाँ पर दिल खुश हो गया इनसे बात करके, ये भी हंसने लगे। और हाँ दोस्तों मैं तुम्हें बता दूँ भाई पूरा मॉल बंद हो चुका है, पूरा का पूरा मॉल भाई 10:50 का हम पहले आ गए इस मॉल में, बताओ सिस्टम। कौन सी मूवी है ये रही साला भाई, एनिमल अब तक लग रही, अच्छा जी एनिमल अब तक लग रही मूवी, बढ़िया थी एनिमल। 10:23 और हम भाई अभी पिक्चर देखेंगे सालार करके,
बताऊँ, अभी बस हम ही हैं, बस चार जने, और मतलब अंदर मिलेंगे, पिक्चर विक्चर देखेंगे हम, मज़ा आएगा, बेहतरीन वाला। देखते मूवी कैसी है। सलार कपड़े भी खरीदने हैं अभी तो। इसे भी मॉल ही कहता है जो कि बंद हो चुका, और भाई हम ही चार हैं इस मॉल में, और भी है भाई भी है, और भी है मूवी देखने वाले घने। अरे यहाँ फोटो वोटो क्लिक हो रही है, ये देख लो भाई, और ये वाली मूवी हमें नहीं देखनी। मेहनत ही कहता है भाई की, बहुत बढ़िया। पिक्चर कितने बजे की है? पिक्चर है 10:50 की, और अभी हम बाहर जा रहे हैं, सालार मूवी देखेंगे प्रभास की। यस, पिक्चर है 10:50 की, सालार मूवी देखेंगे प्रभास की। वाह क्या बात कर दी कवि ने। तो अभी यार दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम है, तो हमने सोचा क्यों ना भाई अभी कुछ खाया जाए, भूख लग रही है। तो दोस्तों हम तुम्हें बता दे भाई, इस वक्त हम कहाँ पर है भाई? तो दोस्तों हम ज्यादा दूर नहीं है, लोनी से भाई पास में ही है, मोहन नगर है, ये मोहन नगर का मेट्रो स्टेशन, और हाँ आगे आगे जा रही है, ये सब भागे भागे हम भी जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों हम पहुंचे भाई खाने के ठिकाने पर। भाई दाल मंगाई थी और दाल के साथ रोटी मंगाई थी, और जस्ट अभी हम भाई शेयर कर रहे हैं टेबल इन भाई के साथ, और खाएंगे अभी खाना। भाई कुछ बोलो ना बोलो, बट एक बात बोलूंगा भाई, इस खाने में भाई टेस्ट बिल्कुल नहीं था, मैंने तो खाना छोड़ दिया था, मैं तो सिर्फ भाई सलाद सलाद खा रहा था। ये भाई चौहान ढाबा मोहन नगर के पास, हमें ना अच्छा लगा। ओ भाई अगर हम वक्त की बात करें, 10:55 हो गई, और 10:50 का हमारा सोता भाई, अब चलते हैं भगे भगे फटाफट। 10 मिनट की भी निकल गई ना तो मजा नहीं आएगा मूवी देखने में। खाना वाना खा के सीधा भाई मॉल में घुस गए, ठीक है हमारी 5-6 मिनट की निकल गई मूवी पक्का, क्योंकि 10:50 का सोता, 10:60 हो गई। अब हमारे साथ जो भाई एक बंदा था भाई, वो तो भाई मॉल में भटक गया। ये रे भाई कितने आराम से आ रहे हैं, ना कोई टेंशन ही नहीं है, और यहाँ भाई भग भग के आ रहे हैं, देखो कितने आराम से आ रहे हैं भाई। अबे यार 10 मिनट की निकली, मजा भी ना आने का। भाई यहाँ पर भाई तलाशी हो रही है, जैसे कि हम कुछ खाने वाने के लिए जा रहे हैं, और भाई कैमरे में फुल देख रहा है। तलाशी होने के बाद भाई फिर हम भगने लगे जल्दी 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 जल्दी, और अंदर घुसते के साथ ही भाई मैं बोलने लगा कहाँ बैठना है हमें, कहाँ बैठना हमें। प्रभास लवर। अपने बाप का होल समझकर हमने भाई फुल आफत मचाई यहाँ पर। जैसे भाई मैं बोल रहा था 10 मिनट पहले भाई मूवी यहाँ पर भाई शुरू हो चुकी थी। भाई ये देख लो भाई सीट हमें मिल गई, यहाँ पर भाई थोड़ी धूल मिट्टी ज्यादा हो रखी है जो कि कैमरे के सामने आ रही है, और हाँ एक लेते हैं भाई सेल्फी। मैं मूवी की बात करूं भाई, मूवी इतनी अच्छी भी नहीं थी, और हाँ अगर ध्यान से देखें तो अच्छी भी थी, मतलब 10 मिनट की हमने खो दी ना, हमें स्टोरी भाई समझ में आई ना एंड तक। दोस्तों जब हम मूवी देख के भाई वापस जा रहे थे, तो देख लो वक्त कितना हो रखा है भाई, 1:30 बज गया। एक ओ भाई ये तो 2 बज गए, मैं 1:30 सोच रहा। तो भाई मूवी देख के हम जा रहे हैं रात के। बाहर अगर फॉग की बात करें, कोहरे की बात करें, भाई गंदे वाला कोहरा था, देख लो भाई गाड़ी भी बिल्कुल आराम से ले जानी पड़ेगी, अब तो मामा को मामा ही चलाएंगे। फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सुबह भाई, जैसे मैं मिलता हूँ तो कहाँ मिलता हूँ, दुकान पर मिलता हूँ जूते वाले की, जहाँ पर भाई मुझे लेने हैं शूज, और हाँ हेलमेट अभी तक हटा नहीं, घर से ही आया हूँ मैं भी। मुझे एक ऐसा बंदा मिला जिसका भाई जो भाई बात नहीं मान रहा था दुकानदार की, मतलब कि मैं यहाँ पर बना दुकानदार, एक रील बनाई ये आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। जूता देख ले पैर क्यों देख रहा है भाई साहब, मुझे लग रहा तुम्हारे नो आएगा, नो वाला ट्राई करो, तुम नो वाला ट्राई करो एक बार, तो एक काम करे है ना हमारे साथ, चल 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 दुकान से बाहर चल चल। और हाँ दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं भाई, शॉपिंग ही शॉपिंग हो रही भाई, जूते वूते लेने के बाद हम आ गए भाई कपड़ों की दुकान पर, जहाँ से हमें भाई कपड़े लेने हैं, क्योंकि भाई गोवा जा रहे हैं भैया, शॉपिंग वोपिंग टाइट वाली करके चल रहे हैं, महंगे वाली। एक शर्ट पसंद तो आई है, बट ये भाई अच्छी नहीं लग रही, पर मामा कह रहे ये अच्छी लग रही है, अब पता नहीं लूँ या ना लूँ, बाद में पता लगेगा आप लोगों को। मैंने यहाँ पर करी पेमेंट, तुम यकीन नहीं करोगे हमने कितने महंगे कपड़े ले लिए भाई, यहाँ से हमने भाई 10,000 रुपये की शॉपिंग कर दी। पेटीएम भाई साहब को भाई नमस्कार बोल के, और दुकान वाले को नमस्कार बोल के, अभी हम चलते हैं घर की तरफ। मान भाई बहुत ज़्यादा हो गया आज, मैं तुम्हें बात बताऊँ, देखो भाई मामा के दोनों हाथ भरे पड़े और मेरे भी।